हेलो फ्रेंड्स, माई पी सी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर यूज़ करते हैं विंडोज़ 10 पीसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये फ्रीली अवेलेबल है लाइफ टाइम। तो विंडोज़ 10 पीसी में ये इनबिल्ट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर से वायरस, रैनसमवेयर और मैलिशियस प्रोग्राम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं विंडोज़ पीसी को। तो मेरे पास ये विंडोज़ 10 पीसी है और यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर डाउन आएंगे, विंडोज़ सिक्योरिटी को ओपन करेंगे। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर का इंटरफेस, आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अपडेट करेंगे ऑनलाइन। तो ये विंडोज़ 10 पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर डाउन आएंगे, चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे। तो अपडेशन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर हमें वेट करना होगा। तो विंडोज़ डिफेंडर अपडेट हो गया है और यहाँ पर देखिए लेटेस्ट डेट एंड टाइम शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर को ऑनलाइन अपडेट किया और विंडोज़ डिफेंडर को हम ऑफलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अलग से सेटअप फाइल डाउनलोड करनी होती है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। तो मेरे पास अनदर विंडोज़ 10 पीसी है और ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें विंडोज़ डिफेंडर को ऑफलाइन अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सेम ओपन कर लेता हूँ विंडोज़ डिफेंडर को। विंडोज़ सिक्योरिटी, और वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाउन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है इंजिन अन अवेलेबल, इसका मतलब ये है ये अप टू डेट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को ओपन किया है और यहाँ से हम वायरस डेफिनेशन को डाउनलोड कर सकते हैं 32 बिट और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास विंडोज़ 10 64 बिट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट पे राइट क्लिक करेंगे सिस्टम और यहाँ पर डाउन आएंगे, यहाँ पर देखिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं 64 बिट के लिए वायरस डेफिनेशन, सेव। तो डाउनलोड कंप्लीट हो गया है और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ डिफेंडर को क्लोज़ कर देता हूँ और सिंपल इस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। तो विंडोज़ डिफेंडर को अपडेट होने में अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, तो हमें वेट करना होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर डाउन आएंगे, विंडोज़ सिक्योरिटी को ओपन करेंगे, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउन आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शो कर रहा है अप टू डेट और लेटेस्ट डेट एंड टाइम शो कर रहा है, मीन्स ये अपडेट हो गया है। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर को ऑनलाइन और ऑफलाइन अपडेट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये येलो मार्क शो कर रहा है, तो यहाँ पर मैं डिसमिस कर देता हूँ उसको। तो ये देखिए ग्रीन हो गया है और यहाँ पर टास्क बार में इसका आइकन शो करता है, ये देखिए यहाँ पर भी ये ग्रीन हो गया है, ये विंडोज़ डिफेंडर का आइकन है। और सेम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर होम बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर डिसमिस,
और अगेन यहाँ पर डिसमिस। तो ये देखिए ग्रीन टिक आ गया है, और यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आप। और इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर देखिए क्विक स्कैन। तो क्विक स्कैन से ओनली विंडोज़ की सिस्टम फाइल्स स्कैन होती है जहाँ पर वायरस अटैक ज़्यादा होता है। और यहाँ पर स्कैन ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें और ऑप्शंस मिल जाते हैं स्कैनिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए फुल स्कैन, तो ये पूरे सिस्टम को स्कैन करेगा। और इसके बाद कस्टम स्कैन, तो इस ऑप्शन से हम एक पर्टिकुलर फोल्डर या पर्टिकुलर ड्राइव को स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्कैन नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ से हम किसी फोल्डर को या ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हैं स्कैनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं सी ड्राइव में टैली अंडरस्कोर डाटा फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फोल्डर स्कैनिंग इसने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर शो कर रहा है नो करेंट थ्रेट्स। और इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है विंडोज़ डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन। एक्चुअली कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो रनिंग विंडोज़ में रिमूव नहीं होते, तो उस केस में हमें बूट स्कैनिंग करना होता है। तो इसमें क्या होता है, विंडोज़ स्टार्ट होने से पहले एंटीवायरस स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और अगर वायरस डिटेक्ट होता है तो रिमूव कर देता है, और इसको ऑफलाइन स्कैन भी बोलते हैं। तो इसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्कैन नाउ पे क्लिक करूँगा स्कैन, तो ये विंडोज़ ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए रीस्टार्ट हो रहा है। विंडोज़ डिफेंडर ऑफलाइन तो ये बूट स्कैनिंग और ऑफलाइन स्कैनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्कैनिंग स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट होगा तो पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर डाउन आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है रैनसमवेयर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर मैनेज रैनसमवेयर प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर ऑन करेंगे, यस। और यहाँ पर प्रोटेक्टेड फोल्डर्स पे क्लिक करेंगे, यस। और यहाँ पर देखिए कुछ फोल्डर्स शो कर रहा है, तो ये फोल्डर्स एक्चुअली प्रोटेक्टेड हैं रैनसमवेयर अटैक से, और यहाँ पर हम अलग से फोल्डर्स भी ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर ऐड करा देता हूँ टैली अंडरस्कोर डाटा। तो ये देखिए फोल्डर ऐड हो गया है, और ये प्रोटेक्टेड फोल्डर हो गया है। इस फोल्डर में रैनसमवेयर अटैक नहीं हो पाएगा। तो अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर इन प्रोटेक्टेड फोल्डर्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा। तो जब भी कोई प्रोग्राम इन फोल्डर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ये विंडोज़ डिफेंडर उसको ब्लॉक कर देगा। एक्चुअली रैनसमवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसको हैकर्स ने डेवलप किया है, लेकिन कई बार क्या होता है, जिन प्रोग्राम्स को हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं ये उनको भी ब्लॉक कर देता है। तो उस केस में हमें प्रोग्राम को अलाउ करना पड़ता है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बैक, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अलाउ एन ऐप थ्रू कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस, तो इस पर क्लिक करेंगे, यस। तो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है ऐड एन अलाउड ऐप, तो यहाँ से हम प्रोग्राम्स को अलाउ कर सकते हैं। तो मेरे पास टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है इस विंडोज़ 10 पीसी में, तो मैं आपको इंस्टॉलेशन फोल्डर दिखा देता हूँ। दिस पीसी सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स टैली टैली डॉट ईआरपी 9, तो ये है टैली सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर मैं इस टैली सॉफ्टवेयर को अलाउ करूँगा, तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज ऑल एप्स,
और यहाँ पर मैं लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, एंटर, और इस टैली को सेलेक्ट करते हैं, ओपन। और इसके अलावा टैली गेटवे सर्वर को भी ऐड कर लेते हैं। तो अब विंडोज़ डिफेंडर इस टैली सॉफ्टवेयर को ब्लॉक नहीं करेगा। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर यूज़ करते हैं विंडोज़ 10 पीसी में, और इसको अपडेट करते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और फोल्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं रैंसमवेयर अटैक से, और इसके अलावा प्रोग्राम्स को अलाउ करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू।